राजस्थान में पिछले 3 सालों के दौरान पुलिस और गो तस्करों के बीच 33 बार फायरिंग की घटनाएं सामने आई और एक गो तस्कर इस फायरिंग में मारा भी गया। वहीं अलवर जिले में गो तस्करों की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई है। राजस्थान विधानसभा में विधायक हीरालाल नागर के प्रश्न के जवाब में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने गो तस्करी को लेकर ब्यौरा पेश किया। कटारिया ने बताया कि वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के बीच गो तस्करी के कुल 1113 मामले दर्ज किए गए थे। इस दौरान पुलिस ने 16428 गो वंश बरामद किए और 2198 गो तस्करों को धर दबोचा। पुलिस ने इस दौरान 1051 वाहन जब्त किए। अभी 931 मामले में चालान पेश किया जा चुका है, जबकि 122 मामलों में FR लग चुकी है। वहीं 60 मामले लंबित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गो तस्करी के मामले अलवर जिले में दर्ज किए गए और अलवर में ही वर्ष 2017 में फायरिंग के दौरान एक गो तस्कर की मौत हो गई थी। विधानसभा में पेश जवाब के मुताबिक 3 साल के दौरान अलवर में 371 केस गो तस्करी के दर्ज किए गए थे। इस दौरान 2434 गो वंश बरामद किए गए, जबकि गो तस्करी के आरोप में 582 लोगों को पकड़ा गया। वहीं इन बीते 3 वर्षों में अलवर में सबसे ज्यादा फायरिंग की घटनाएं हुई और एक गो तस्कर मारा गया। उल्लेखनीय है कि अलवर में गो तस्करी की मुठभेड़ विवादित रही है और इसे लेकर कांग्रेस और विशेष समुदाय के लोग आरोप लगाते रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने तो बयान दिया है कि गो तस्करी करोगे तो ऐसे ही मरोगे। अब मेरा तो सीधा सीधा कहना है कि गो तस्करी करोगे और गो कशी करोगे तो यूं ही मरोगे। आज विधायक हीरालाल नागर ने इस पूरे मामले पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जानकारी मांगी, जिस पर गृह मंत्री ने जवाब पेश किया।